अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुहेल नासिर है और आज मैं जिस टॉपिक पे लेक्चर दे रहा हूँ वो है मैनुअल फेसिंग प्रोग्रामिंग। अच्छा जी, इससे पहले हम लोगों ने स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था और स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है कि एक गाइडलाइन है कि प्रोग्राम बनना कैसे है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए उसके स्टेप को फॉलो करते हुए हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं। तो हम इसमें आज जो हम कर रहे हैं प्रोग्राम वो है फेसिंग। अब फेसिंग होती क्या है? फेसिंग में क्या है कि वर्क पीस की लंबाई को कम करना। फॉर एग्जांपल, हमारे पास वर्क पीस है जिसकी जो लंबाई है 85 मिलीमीटर है और हमने जो फेसिंग करनी है टोटल 4 मिलीमीटर लेंथ इसकी कम करनी है, यानी कि जो एंड पे हमारे पास जो लेंथ बचेगी वो होगी 81 मिलीमीटर। तो अब हम इसके प्रोग्राम के स्टेप को देखते हैं कि कौन से एक्सिस में डेप्थ ऑफ कट होगी और कौन से एक्सिस में फीड देंगे जिससे ये जो प्रोसेस है कंप्लीट होगा। अच्छा जी, सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्क पीस की लेंथ में कौन सा एक्सिस यूज हो रहा है और वर्क पीस के दायरे में कौन सा एक्सिस यूज हो रहा है। हमारे पास दो एक्सिस हैं, एक एक्स और एक जेड। जेड बेसिकली जो जाहिर कर रहा है वो जाहिर कर रहा है लंबाई को। जबकि एक्स जो जाहिर कर रहा है वो डायामीटर को। एक्स डायामीटर को जाहिर कर रहा है। तो अब यहां से हमें आइडिया हो गया कि जेड एक्सिस में लंबाई कम होनी है, यानी कि जेड एक्सिस बेसिकली इसमें कम होना है। तो इसमें सबसे अहम जो चीज है कि डेप्थ ऑफ कट हम किस एक्सिस में देंगे। जाहिर है कि लंबाई जेड एक्सिस में कम हो रही है तो हम डेप्थ ऑफ कट भी जेड एक्सिस में ही देंगे, जबकि कटिंग के लिए जो फीड है वो हम एक्स एक्सिस में देंगे। अच्छा जी, इसके मैं पूरे स्ट्रक्चर पे नहीं जाता क्योंकि पूरे स्ट्रक्चर में सबसे पहले तो प्रोग्राम का नाम होता है, उसके बाद होम पोजीशन की कमांड दी जाती है G28, यानी कि टूल किसी भी पोजीशन पे है वो अपनी होम पोजीशन में चला जाए ताकि अगर कोई टूल चेंज भी होना हो तो वो चेंज हो सके। उसके बाद हम टूल की सेटिंग करते हैं, टूल नंबर सेट करते हैं, ऑफसेट नंबर देते हैं। उसके बाद हम वर्क रेफरेंस की सेटिंग करते हैं, यानी कि अगर वो होम पोजीशन पे एक्स और जेड 0 है तो वो वर्क पीस के सेंटर पे एक्स और जेड को 0 कर देगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, स्पिंडल को ऑन करते हैं और कूलेंट को ऑन करते हैं। अब मैं जो स्टेप स्टार्ट कर रहा हूं वो स्टार्ट कर रहा हूं इसकी सेव पोजिशन से। सेव पोजिशन में अगर हम इसकी सेव पोजीशन की बात करें तो सेव पोजीशन में हमारे पास वर्क पीस का जो डाया है वो 40 mm यानी कि 40 मिलीमीटर दिया हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम एक्स में वैल्यू लेते हैं, यानी कि टूल वर्क पीस से टच ना करे, कुछ फासले पे हो। तो यहां पे 40 है तो हमारी कोशिश होती है कि टूल वर्क पीस से थोड़ा सा ऊपर हो अगर हमारा जो टूल है वो रियर पोजिशन पे है। अगर हमारा टूल रियर पोजीशन पे है तो हमारी कोशिश होगी कि वो वर्क पीस के जो डाया है उससे थोड़ा सा ऊपर हो, यानी कि अगर 40 है तो हम बात करते हैं 42 की। इसी तरह हम अगर जेड की बात करें तो जेड में भी हम देख रहे होते हैं कि लेंथ को मद्देनजर रख रहे होते हैं कि क्योंकि सेंटर से अगर हम बाई जानब की बात करें तो
तो z की वैल्यू माइनस होना शुरू हो जाती है और सेंटर से राइट साइड पे यानी कि बाई जाने z की वैल्यू प्लस में स्टार्ट हो जाती है। तो हमारी कोशिश होगी कि हम वर्क पीस के राइट साइड पे ही टूल को थोड़ा सा रखें तो ताकि टूल वर्क पीस से टच ना करे। तो हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो वैल्यू दे रहे हैं यानी कि 2 मिलीमीटर दे रहे हैं प्लस में कि टूल वर्क पीस से थोड़ा सा पीछे रहेगा। तो अब क्या होगा कि टूल आएगा वर्क पीस के जाने यहां पे आके फॉर एग्जांपल रुक गया। इसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप जो है मेन वो है कि डेप्थ ऑफ कट देना, क्योंकि अब हमारा जो मेन मकसद है वर्क पीस की लंबाई को कम करना है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम Z में डेप्थ ऑफ कट देंगे। अच्छा G01 के साथ हम इसकी जो डेप्थ ऑफ कट देंगे, G01 बेसिकली क्या है, लीनियर इंटरपोलेशन के टूल को फीड के साथ हरकत देना और इस प्रोसेस से हम कटिंग नॉर्मल भी करते हैं। जबकि G00 रैपिड पोजीशन है बगैर फीड के, ये तेजी से टूल मूव कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि हम 1 मिलीमीटर के हिसाब से डेप्थ ऑफ कट दे रहे हैं, तो हम क्या करेंगे क्योंकि अब 1 मिलीमीटर कम लेंथ करनी है तो क्या होगा, टूल इस डायरेक्शन में पहले मूव करेगा, यानी कि ये वाली जो डायरेक्शन है ये हमारी सेट डायरेक्शन है। अब इस जीरो के बाद, इस जीरो के बाद z माइनस में हो जाएगा -1 यानी कि 1 -1 हो जाएगा। तो हम 1 मिलीमीटर के हिसाब से अगर हम बात कर रहे हैं कि डेप्थ ऑफ कट देंगे तो 1 मिलीमीटर के हिसाब से हमने डेप्थ ऑफ कट दी और इसके साथ हमने फीड डिफाइन कर दी जो कि मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन के लिहाज से है। इसके साथ हम G99 का कोड भी ऊपर लिखते हैं क्योंकि इसके दो कोड है G98 और G99। अगर G98 लिखते हैं तो मिलीमीटर पर मिनट के लिहाज से फीड रेट देते हैं और अगर हम मिलीमीटर अगर हम बात करें G99 की तो हम मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन के लिहाज से फीड दे रहे हैं। तो ये हमने डिफाइन करना जरूरी है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है कि अब क्या हुआ, टूल ने इस लाइन को रीड किया तो क्या किया उसने, यहां पे टूल ने ट्रेवल कर दिया 1 मिलीमीटर के, टूल ने इस पॉइंट पे ट्रेवल किया। अब उसने कटिंग करनी है यानी कि आप फीड देंगे तो वो कटिंग करना शुरू कर देगा। तो उसके लिए जो हमारे पास लाइन है G01 x 0.0, फीड अगर हमने ऊपर वाली दी हुई है तो वो ऑटोमेटिकली G01 उसे रीड कर लेगा। अच्छा जी, अब क्या होगा, टूल मूव करेगा नीचे की जानब यानी कि कटिंग करेगा, यहां से कटिंग कर देगा। तो इसी तरह यहां पे भी अगर फेस हो रहा है तो इस जानब भी फेस साथ साथ हो रहा होगा, यानी कि यहां से भी फेस हुआ तो यहां से भी फेस हुआ। तो क्या हुआ, 1 मिलीमीटर लंबाई कम हो गई, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है फेसिंग के बाद खत्म हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है, टूल को सेफली वापस लेके जाना है। तो हम क्या करेंगे, टूल को पहले जेड डायरेक्शन में थोड़ा सा पीछे करेंगे और फिर इसे ऊपर सेफ पोजिशन में ले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं G00 Z, जहां पे पहले सेफ पोजीशन पे था वहीं पे देते हैं 2.0। अब क्या हुआ, टूल ने जब ये कटिंग की तो ये उसी पोजीशन पे वापस आया और अब इसे ऊपर उठा रहे हैं ताकि हम दोबारा डेप्थ ऑफ कट दे सके। तो अब क्या करेंगे, G00 x 42.0, क्या होगा, टूल उसी पोजीशन पे वापस दोबारा आ जाएगा जहां से उसने डेप्थ ऑफ कट ली थी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि हम मजीद 1 मिलीमीटर और डेप्थ ऑफ कट कम करना चाह रहे हैं, यानी कि 1 मिलीमीटर और फेस का
फेस कम करना चाह रहे हैं, लंबाई को कम करना चाह रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे? जी 0 0। अच्छा, अब क्योंकि एब्सोल्यूट सिस्टम में काम कर रहे हैं तो एक फिक्स पॉइंट से डिमेंशन स्टार्ट होती है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि अगर हमने z माइनस वन लिखा तो वो उसी पोजीशन पे आएगा जहां पहले उसने डेप्थ ऑफ कट लिया था। तो हमने क्या करना है, z माइनस टू लिखना है, तो वो ऑटोमेटिकली जहां पे टू बनता है वो उस जगह पे मूव कर जाएगा टू। इसके साथ हम जी 01 इसके बाद जो नेक्स्ट है हम दोबारा फीड देंगे, क्योंकि अब क्या होगा, टूल ने इस लाइन को पढ़ा तो टूल फर्दर मूव करेगा आगे की जाना। यहां पे हम मूव किया, पहले उसने क्योंकि ये जो लेंथ है ये उसने खत्म कर दी है, अब वो मजीद आगे मूव किया, और अब वो क्योंकि अब उसे कट भी चाहिए, कटिंग के लिए फीड भी चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे, एक्स 0.0। अब टूल ने इस लाइन को रीड किया तो ऑटोमेटिकली नीचे आ गया, तो उसने क्या किया, अब इसको खत्म यहां से कर दिया। इसी तरह ये यहां पे भी खत्म होगा, तो इसका मतलब है ये 2 मिलीमीटर हमारे जो फेस है ये खत्म हो गया। तो इसी तरह फिर हम इसे सेफ पोजीशन देंगे जी 0 0, जेड में ही हम टूल को वापस लेके जाएंगे। इसी तरह एक्स में हम वापस लेके जाएंगे, और इसी तरह हम ये प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे। अब इसमें बड़ी एक अहम चीज है, अगर आपने अपने ध्यान में रखना है कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जो बार बार चेंज हो रही है, तो क्योंकि हमने शुरू में ही बात की थी कि डेप्थ ऑफ कट जेड में लग रहा है, तो उसके लिहाज से जेड की वैल्यू ही चेंज होगी। जबकि आप अगर देखो G01X 0.0, G00Z 2.0, G00X 42.0, सेम लाइन सेकंड स्टेप में भी वही आ रही है, सिर्फ चेंज हो रहा है क्या, Z जहां पे डेप्थ ऑफ कट लग रहा है, क्योंकि लेंथ कम हो रही है तो Z कम हो रहा है। तो ये स्टेप इसी तरह फॉलो होते जाएंगे, और जितनी हमने लंबाई करनी है उसी तरह ये स्टेप रिपीट होते जाएंगे, और एंड में हम दोबारा इसको सेफ पोजीशन दे देंगे और इसके बाद होम पोजीशन की कमांड देंगे दोबारा से, ताकि अगर कोई नेक्स्ट प्रोसेस होना हो तो टूल चेंज होना हो तो वो हो सके। और इसके बाद हम स्पिंडल को स्टॉप करवा देते हैं या कूलेंट ऑफ करवाते हैं M09 से, M05 से स्पिंडल ऑफ, और M30 से प्रोग्राम एंड और रीसेट। ये था आज का लेक्चर, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हर स्टेप की समझ आई होगी, लेकिन अगर किसी भी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग जरूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।